Sesha, Sesha. कहाँ हो तुम? नहीं शिवन्या, मत बुलाओ मुझे लेके मेरा नाम। नहीं जवाब दे सकती तुम्हें। आज जवाब दे दिया, आज मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, तो ये गुरु माँ तुम्हारी सच्चाई भी जान जाएगी, तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। शिवन्या, तुम इस वक्त यहाँ? कोई मुसीबत है? मैं नहीं गुरुदेव, शेषा वो गुरु माँ को मारने के लिए गई थी, और आज ही गुरु माँ ने अंकुश रहेजा को फोन करके बताया कि कोई नागिन पकड़ी गई। वो ना हो, मेरा मन कहता है कि वो शेषा ही है। उसकी जान खतरे में, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और मारो, मारो इसे, खत्म कर दो इसे। ये क्या गुरुदेव, शेषा तो बहुत मुसीबत में है, गुरु माँ से नहीं छोड़ेगी, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ। लो, शिव जी की अभिमंत्रित भभूत अपने शरीर पर लगाकर ही जाना। ये भभूत मैंने शेषा को भी दी थी, पर शायद उसका काम खत्म होने से पहले ही इस भभूत का असर खत्म हो गया, और वो इसकी शक्ति आधे घंटे तक ही रहती है। उस गुफा में गुरु माँ की शक्ति का प्रभाव है, और उस शक्ति से बचने का एक ही उपाय है कि अगर गुरु माँ उस गुफा में नहीं होंगी तो उनके मंत्रों का प्रभाव भी नहीं होगा। इसलिए वहां जाने से पहले गुरु माँ को गुफा से बाहर लाना होगा। शेषा को बचाने का, शेषा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। शेषा, अब ये साधारण सांप ही मुझे पहुंचाएगा तुम तक। शिवन्या, 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 क्या हुआ तुम्हें? आगे खोलो शिवन्या, ये कैसे हुआ तुम्हें? सांप ने काटा मुझे। सांप ने? मुझे गुरु माँ के पास ले जाओ, सिर्फ वही मुझे बचा सकती है। शिवन्या, अपनी आंखें खुली रखें, ओके? आज तू मेरे गिरफ्त में, इस गुफा में ना सूरज की रोशनी ना चांद की चांदनी, अंधेरे में भी सिर्फ अंधेरा है, और तू है और तेरी भयानक बात। तेरा अंत का वक्त आ गया है नागिन, ले ले अपनी आखिरी सांस। गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, मेरी पत्नी शिवन्या, उसे उसे एक सांप ने डस लिया है। कौन है तू? मैं, वो मेरे मॉम डैड आए थे ना आपके पास यज्ञ के लिए, मैं उनका बेटा हूँ। वो बाहर मेरी पत्नी शिवन्या, उसे एक सांप ने डस लिया है, प्लीज आप उसे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज गुरु माँ, जल्दी कीजिए, उसे सांप ने डस लिया। चलो, ले चलो मुझे वहां। चलिए। गुरु माँ, क्या सोच रही हैं? किस्मत की धनी है तू जो यहां तक जिंदा आ गई। नागिन किसी के गले में डस दे तो अब तक जिंदा नहीं रहता, इसलिए तो हैरान हूं मैं
दंश तो देखूं। दंश तो बहुत जहरीला है और वक्त बहुत कम। किसी पुरानी साधारण सी नागिन ने डसा है इसे। इसका उपचार सिर्फ एक है। क्या करूं? पुष्प धनिया जड़ी बूटी। गुरु मां, कहां मिलेगी ये जड़ी बूटी? वहां उस जंगल में। तो मैं लेकर आता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। मिल भी जाएगी तो पहचानोगे कैसे? हाँ, मुझे ही आना होगा। शिवान्या, आओ, आ जाओ। रुक जाओ शिवान्या, अंदर मत आना। ये गुरु माँ ने चक्र बनाया है, बहुत ही मायावी चक्र है ये। गुरु माँ की शक्ति, गुरु माँ की शक्ति अब कुछ नहीं कर पाएगी। गुरु माँ यहाँ से बाहर गई है और शक्ति भी बाहर है। तुम डरो मत, आओ चले आओ मेरे साथ। तो अपना हाथ उठो। गुरु माँ के बाज है शिवान्या, मार डालो इन्हें। चलो यहाँ से, वक्त हो गया उसके आने का, वो आती होगी। चलो। हाँ, उसके आने से पहले यहाँ से चले जाएंगे। शिवन्या, अगर तुम्हें याद तो मैंने तुम्हें एक चेन दी थी। मैंने खुद वो चेन तुम्हें दी थी, उसमें एक लॉकेट भी था। कहाँ है वो चेन? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो चेन कहाँ है? माँ, वो मेरे तुम्हारे पास नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना? माँ, वो मेरे पास है। ऋतिक, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, जो नागिन हमारा पीछा कर रही थी उस नागिन को गुरु माँ ने पकड़ लिया था, लेकिन किसी ने उस नागिन को वहां से बचा लिया। शिवन्या, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चेन मुझे वहां कैसे मिली? इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम गुफा के अंदर गई थी और तुम उसी वक्त वहां गई थी जब किसी ने उस नागिन को वहां से गायब कर दिया। माँ, मैं उस गुफा के अंदर नहीं गई। अगर नहीं गई थी तो ये चेन मुझे वहां कैसे मिली? मुझे नहीं पता, ये मेरी चेन नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये चेन मैंने खुद तुम्हें दी थी और ये लॉकेट भी वही है। शिवन्या, माँ ने मेरे सामने तुम्हें ये चेन दी थी और ये वही लॉकेट है। ऋतिक, ये मेरी चेन नहीं है। माँ ने जो चेन मुझे दी थी वो यहाँ है। मैं तुम्हें पहना के रहूंगा। तुम क्या हुआ? चूक गया ना? किसने कहा था कांच उठाने के लिए? खून निकल रहा है अभी। ये क्या था? तुम्हारे खून में तो
करंट है, इतनी ऑटो। मेरे खून में जहर है ऋतिक, पता नहीं अब तुम्हें कुछ हो गया तो। मैंने कहा था ना, तुम्हारा प्यार मेरे सर पर चढ़ रहा है, देखो प्यार का नशा चढ़ गया ना मुझ पे। ऋतिक चलो मेरे साथ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ। चलो शिवानी, एक मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ गलत हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे? मुझसे क्या गलती हो गई माँ? तुमसे नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जबकि तुमने मुझसे ये भी कहा था कि जो चेन तुम्हारे पास है वो वही है जो मैंने तुम्हें दी थी, फिर भी मैंने तुम पे शक किया। मुझे माफ कर दो शिवान्या। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज माफी मत मांगिए, आपकी जगह कोई और भी होता तो उससे भी ये गलती हो सकती थी। नागिन इच्छाधारी होती है, वो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकती है, जाने कब किस रूप में वो हमारे आसपास भी हो सकती है। वो नागिन मैं भी तो हो सकती हूँ। मैं हूं नागिन, ऐसी कोई नागिन थोड़ी ना बोलेगी कि मैं हूं नागिन। वो कोई भी हो सकती है, किसी का भी रूप ले सकती है, आप, मैं, अंगद, दिव्या, ऋतिक। तो आपकी जगह अगर मैं भी होती तो मुझसे भी ये गलती हो जाती, मुझे भी शक हो जाता। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऋतिक के लिए मैंने तुम्हें चुना। तुमसे अच्छी बहू इस घर को नहीं मिल सकती थी। खुश रहो बेटे। सही कहा तुमने, सही घर पे, सही वक्त पे, सही काम को अंजाम देने आई है शिवान्या। इंतकाम के लिए इस घर से सही जगह और क्या हो सकती है? बेवकूफ औरत, नागिन तेरे घर पे रहती है, फिर किस नागिन से बचाने चली है अपने घर को?